उस परिचलों के घर रखने पर जीवन बिगड़े पाकिस्तान के करप्ट तरीन महकमा ODDC पाकिस्तान का सबसे बड़ा महकमा और सबसे करप्ट तरीन महकमा वो सफर से मौकों किरदारा रखने में पागीबा ने बिना गड़े हो जख बिना गड़े हो चाम और 31 किलो का गैस और कड़े रहा कोहाट के बिल टर्बाइन लगा वाले रहा हो जो भी दे मसला है वादे था पेश मख के तो उस था मीडिया वाला था खबरो बच्चों था आधारा चे चोरी जी मख के जब तो उस तकलीफ में दे रोला का चे चोरी जी मख के खाकाना बासी यो एंकर ते इंटरव्यूअर खड़े हुआ कि पाकिस्तान के करप्ट तरीन महकमा ODDC था मैं उसका 4 साल मिनिस्टर रहा हूँ और 4 साल में मियां नवाज शरीफ ने मुझसे किसी आदमी की ट्रांसफ़र की या करप्शन की या किसी बात की कोई बात नहीं की और ये जब वो बयान दे रहा था खाकान अब्बासी उससे पहले उसने कलमा पढ़ा और कलमे के बाद उसने ये वजाहत की कि ODDC पाकिस्तान का सबसे बड़ा महकमा है और सबसे करप्ट तरीन महकमा है इस महकमे में मुझसे नवाज शरीफ ने कोई बात नहीं की तो उसके बाद मैं करूँ उसके बाद वो वज़ीर आज़म ही बन गए अब उससे सच्चा और साफ गो आदमी और कौन उस होता है जिसका वो खुद 4 साल मिनिस्टर रहा और वो खुद दावा करता है कि सबसे बड़ा महकमा पाकिस्तान का और सबसे करप्ट तरीन महकमा इसके बारे में भी मियाँ साहब ने मुझसे किसी किस्म की डिमांड या मुतालबा नहीं किया तो अब इससे खुद अंदाज़ा लगाएं कि गैस शार्ट क्यों हो रही है गैस कम क्यों हो रही है गैस की लोड शेडिंग क्यों हो रही है तो वो तो खाकाना बासी कह चुका है ना कि करप्ट है तो अगर जब करप्ट हैं तो फिर आप लोग चंदा करें कोर्ट के लोग आवाम ये यहाँ से बेचते हैं डायरेक्ट पंजाब इस वक्त आपका 24 इंच का एक पाइप जो शाड़गढ़ के रास्ते से गुजर रहा है वो डायरेक्ट फैसलाबाद जा रहा है जिसकी कोई रुकावट नहीं है रास्ते में कहीं भी यूटिलाइज नहीं होता और एक पाइप जा रहा है करक से वही डेरे इस्माइल खान जो उसके पब्लिक के लिए या कमर्शियल के लिए या दूसरे पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है वो अलग है वो भी 24 इंच का पाइप है ये भी 24 इंच का पाइप है जबकि कानून के हर सफ़े पे ये लिखा हुआ है कि पहले मेरा पेट भरा जाएगा 18वीं तरबीब में उसके बाद दूसरे सूबों के जो बचेगा तो दूसरे सूबों को मिलेगा मेरा चूंकि मेरे नाम के साथ या मेरे साथ पश्तून का लफ्ज़ लगा हुआ है तो मेरा माल सारा पंजाब इस्तेमाल कर रहा है नवाज शरीफ के टाइम पर यहाँ से कोई 24 इंच का पाइप खुशागढ़ से नहीं गया हमसे ज़बरदस्ती यहाँ तक कि मेरे लड़के ने स्टे ऑर्डर दिया है हाईकोर्ट से और 2 साल तक इस बात को लटकाए रखा और रोके रखा ताकि ये गैस ना जाए वो 2 साल गुजर गए 2 साल के बाद अब वो जो हमारे अम्ब्रेला है या जिसको आप कमिश्नर कह सकते हैं या डिप्टी कमिश्नर कह सकते हैं या असिस्टेंट कमिश्नर कह सकते हैं या इंतज़ामिया कह सकते हैं या DPO कह सकते हैं जो भी आप कहें उसको तो ये तो अब मेरी ज़ात का मेरी इस उम्र का या मेरे बच्चों का जो हक था जो काम था वो हम पूरा कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं आप लोगों की एक छोटी सी रिक्वेस्ट पर मैं आपके लिए वजाहत के लिए आया हूँ कि इसमें हमने इन्वॉल्व नहीं है हमारा इंतज़ामिया इन्वॉल्व है इंतज़ामिया से मुराद मेरा गैस कंपनी के लोग हैं जिसके ऊपर खाकान अब्बासी ने क्लियर लगाया कि करप्ट तरीन महकमा है तो अब जब उसका अपना मिनिस्टर उसका सबका मिनिस्टर उसका सबका वज़ीर आज़म ये इल्ज़ाम लगाता है और मेरा एक छोटा सा शहर है कोहाट जिसमें से सिर्फ मेरे लड़के के हलके में 5 कुएँ हैं जिसे गैस निकलता है हल्का 80 से 5 कुएँ हैं जिसे गैस निकलता है बाकी आगे जो निकल रहा है या दूसरा सिस्टम है उसका मुझे इल्म नहीं है ये मसला ये कोहाट इंतज़ामिया का है जो गैस के इंतज़ामिया है और इंतज़ामिया को फिर डंडा देना जो है वो या मीडिया दे सकती है या पॉलिटिशियन तो रोएगा आपके सामने फरियाद करेगा जुलूस निकालेगा जलसा करेगा रोड ब्लॉक करेगा उस पर फिर इंतज़ामिया रोती है तो रोए 100 दफ़ा रोए हम ये करेंगे और अगर इन्होंने फौरन इस पर एक्शन नहीं लिया मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कि फौरन गैस
को अगर हाथ लगाए या गैस में लोड शेडिंग आई तो हम जितने भी पाइपलाइन बाहर जा रहे हैं कोहाट से, हमारे डिप्टी कमिश्नर माशाल्लाह बड़े तकड़े लोग हैं, हमारे इंतजामिया हमारे फेवर में, सारा हमारे साथ वो कॉपरेशन करेंगे और वो हमें बंद करके देंगे। और उनमें इतनी ताकत है, वो इस सूबे का नमक खा रहे हैं, उस नमक का हलाली वो ज़रूर करेंगे ताकि अपने कोहाट को वो बचा सके, अपने इलाके के लिए वो गैस प्रोवाइड कर सकेंगे, अपने इलाके के लिए बिजली पूरी प्रोवाइड कर सके। क्योंकि हम 18वीं तरमीम पे अमल दरामद अगर होता है जिसके अंडर सब ने हल्फ लिए हुए हैं, अगर उस पर अमल दरामद होता तो गैस बहुत ज़्यादा है, हमसे बहुत ज़्यादा, हमारे खर्चे से बहुत ज़्यादा, हमें इतना दें ताकि हम हमारे बच्चे और हमारे मासूम बच्चियाँ वो इस नेमत से महरूम हैं। और पंजाब के लोग इसे, जिनका गैस से दूर का वास्ता भी नहीं है, या बलूचिस्तान दे रहा है या सिंध दे रहा है या पख्तूनख्वा दे रहा है, रुकावटें थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ कोहाट के आवाम की, कोहाट की बच्चियों की, कोहाट की माओं की बहनों की दवाएँ मेरे साथ है। ना मैं रुकावट कोई किसी चीज़ को रुकावट समझता हूँ, ना रुकावट के बहाने करता हूँ। मैं हर चीज़ जब एक पर दफ़ा चल पड़ता हूँ फिर मेरी रुकावट सिर्फ रब के हाथ में होती है, ना मुझे किसी गोरी की फिक्र है, ना मुझे किसी और चीज़ की फिक्र है। वीसी ने कोशिश की कि ये इकट्ठे बन जाएं, आपका सबका सदर था मुस्लिम लीग का मलिक असद साहब, उसके बरखुरदार हैं, वो PND में बैठे हुए, उन्होंने ट्राई की, 3 दफ़ा इसको रिजेक्ट किया। हमने फिर मेरे लड़कों ने कोशिश की और वहाँ से चीफ मिनिस्टर से फिर लिखवाया, और अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़ा एहसान है, लोगों की दवाएं हैं, कोहाट के बूढ़े बच्चों की दवाएं हैं, कि हमने ज़मीन भी ले ली है, उसका क्या बोलते सेक्शन जो लगता है जो, हाँ वो भी ले लिए, और इन फंड भी मौजूद है, इंशाल्लाह चंद दिनों के बाद इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा, या महीना डेढ़ शायद लगेगा कागज़ी कार्रवाई में, दूसरे में, तीसरे में, क्योंकि इसमें 20 करोड़ रुपए का गबन का मसला था। अगर ये इकट्ठा बनता और अगर अलग अलग बनता तो ये 1 अरब से इसकी अमाउंट बढ़ रही थी। तो उसके लिए मेरे बच्चों ने कोशिश की, डिप्टी कमिश्नर ने मेहनत की, कमिश्नर ने मेहनत की, हमें ये ज़मीन अलाट कर दी, और उसके ऊपर जो है अभी वुमेन यूनिवर्सिटी बनेगी, कोई रुकावट नहीं है। रुकावट अगर कहीं भी आएगी, किसी चीज़ पे आएगी कोहाट में, तो उसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेवार शमीम अफरीदी है। तो ये तो एक आदमी का है। जब एक चीज़ आप जो मैं ये कह रहा हूँ, हमारी बेहसी, ये गालियाँ हैं जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त कर रहा हूँ, ये अगर खुद समझने वाला समझे तो ये बहुत गलत बातें मैं कर रहा हूँ कि मेरा माल कोई और ले जा रहा है। मैंने ये कह दिया कि इस आज से 1.5 महीने पहले मैंने डेट दे दी थी कि इस डेट को ये चलेगी। उसके बारे में खान साहब ने, शहरयार खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि अलामा इकबाल ने अजीम वाह में ख्वाब देखा था, ये ख्वाब देखने वाली बातें, ट्रेन नहीं चलेगी। तो उसने जितना असर रोकना था रोक ली, उसके बाद ट्रेन चल पड़ी। अफरीदी बरदरा ने इस ट्रेन को पहले 1.5 महीने पहले कर चुके, शहरयार चूँकि हुकूमत में मिनिस्टर है, इसने 1.5 महीने के लिए रोक ली। इतनी ताकत थी इसमें, मजीद मेरा प्रेशर बढ़ गया, फिर शुरू हो गई। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि हम खुद आपस में, मेरा और आपका झगड़ा ये हम करेंगे, मगर जहाँ कोहाट के लोग सफ़र करते हैं, हमें भाई भाई होना चाहिए, बाप बेटा होना चाहिए, दोस्त दोस्त होने चाहिए। कोहाट के मफादात अपनी जगह हैं, इलाके के मफादात अपनी जगह है, मेरा और आपका झगड़ा चलता रहेगा, ये हशर से चल रहा है। पश्तून कभी भी इतफाक में नहीं रहा और ना रहेगा, तो वो अलग बात है, मगर जहाँ कोहाट के लोगों की आप बात आ जाती, फिर ये मेरा घर है, मैं घर के दरवाजे में किसी को खड़ा होने नहीं देता हूँ, घर का माल किसी बाहर भेजने नहीं दूंगा, चाहे वो दिल किसी का खुश हो या किसी का दिल बुरा हो। कोहाट का कोई चीज़ नहीं, मैंने 5 डैम शुरू कराए, 6 डैम शुरू किए जनूबी अजला में। शिबली फराज ने कहा कि जनूबी अजला में मैंने काम कराया, आप लोगों से किसी ने नहीं पूछा क्या काम किया आपने, मैं आपको बताता हूँ काम क्या किया मैंने, किया 6 डैम बनाया, मैं वाटर रिसोर्स का चेयरमैन हूँ, वाटर रिसोर्सेज 6 डैम मैंने शुरू कराए, वो डेरा इस्माइल खान से लेकर आपके टांडा डैम तक, टांडा डैम के उसको बढ़ा रहे हैं, उसकी हाइट बढ़ा रहे हैं, और यहाँ पर इंशाल्लाह बिजली का अपना जनरेटर लगेगा, अपना हिसाब किताब, कोहाट की हमारी अपनी बिजली होगी, ये काम हो रहा है ना।
मगर बताने वाला कौन है? अब आज मैंने बता दिया, कल आप लोग दावा शिबली फराज कर देगा, कल शेरार बैठा कर लेगा, परसों फलाना बैठा कर लेगा, तरसों फलाना बैठा कर लेगा। ये आज मैं बताता हूँ, छह डैमो पर काम हो रहा है, छह डैमो बशमूल आपके तांडा डैम के, बशमूल आपके सातवां उस पर जमीर गुल डैम पे, उसके 70 करोड़ रुपये सिर्फ उसके उसके लिए दिए ताकि ज़मीन ज़्यादा से ज़्यादा आबाद हो। आपका हक, मेरा हक कोई नहीं खा सकता जब तक मैं और मेरे लड़के जिंदा हैं। कोहाट का हक, एक पैसा किसी पर सुअर का गोश्त अगर मुझसे ले जाए, अपनी जान दे दूंगा, कोहाट का एक पैसा नहीं जाएगा। आप लोगों की सोच गलत है, आप लोगों की समझ गलत है, आप लोग बड़ी बड़ी सूरतें सुन के आराम से लेट जाते हैं, सोचते भी नहीं कि ये बोल क्या रहा है। इस सूरत के मैंने कहना, उसको पता है ना आपको पता है, हक हमारा कोई नहीं खा सकता है ना खाने देंगे। आई साहब, एफ आर जवाकी के हवाले से बताएं कि उसको तहसील का दर्जा कब तक मिल जाएगा? यार तुम लोग मुझे किस, मेरे ख्याल में इसको ये सारा कौन सुनेगा, इतना वही सुनेगा। मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर साहब ने वादा किया था, हमारे बहुत सारे अच्छे वहाँ से डिप्टी कमिश्नर है, बड़े काम वाले आदमी हैं, कम सोते हैं, ज़्यादा काम करते हैं, इमरान खान साहब की तरह नहीं है, बिल्कुल मैक्सिमम जागते हैं, मिनिमम सोते हैं। और इन्होंने मेरे साथ मेरी कमेटी में, जो उसकी फाटा की कमेटी थी, कमेटी में हमारे इस डिप्टी कमिश्नर ने क्लियर वाजे तौर पे कह दिया कि मैं यहाँ पर तो पेपर वर्क कर रहा हूँ, जैसे ही पेपर वर्क कंप्लीट हो जाए इसको तहसील का दर्जा दे देंगे। और उसकी वजह ये कि आबादी का जो मसला उन्होंने पेश किया था कि 35,000 इसकी आबादी है और दरा आदमखेल की आबादी जो है वो 70,000 है, तो उस डीसी साहब के नॉलेज में मैं एक बात ले आया कि उसको एक तहसील मैंने बताई जिसकी आबादी टोटल 24,000 है, जो उस 4 लाख की आबादी वाले तहसील के साथ लगा हुआ है। तो मैंने कहा अच्छा 24,000 पे बन सकता है तो 35 पे क्यों नहीं बन सकता? तो डीसी साहब ने कमिटमेंट किए और बिल्कुल कमेटी के सामने वादा किए कि मैं इसको जल्दी प्रोसेस करके 4-5 महीने उस प्रोसेस से जब ये निकल जाएगा तो मैं इसको तहसील का दर्जा दे दूँगा। इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि आबादी का मसला है, लोगों का मसला है रहने का, कि हमारी आबादी ज़्यादा शवाकी की आबादी है वो सेटल एरिया में ज़्यादा आबाद है, वहाँ पर 35,000 है मगर 1 लाख यहाँ पर है कोहाट में और कोहाट के गर्दनवा के इलाके में, तो वो भी प्रोसेस में। और ये जहन से एक चीज़ निकाल लें कि कोहाट का कोई खाएगा, ठीक है।